ये बताइए सबसे पहले कि जहाँ पर आपका नाम आता है वो जॉनर अलग हो जाता है, फिल्में अलग अलग तरह की आती हैं, बहुत डिफरेंट लुक आते हैं आपकी फिल्मों के, ये कितना अलग होगा, ये कितनी हटके होगी फिल्म? ऐसा नहीं है कि अब मेरा नाम आके कुछ अलग फिल्म जैसी एंटरटेनमेंट फिल्म बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, और ये भी एंटरटेनमेंट फिल्म है, दो हीरो के ऊपर है और फीचर का नाम है रानी दिलवरजानी, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जिसको बोलते वैसा है ये, इसमें कॉमेडी है, मसाला है, और जैसे मैं बनाता हूँ तो इस फिल्म में सब कुछ मिलेगा, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा और सिचुएशनल चीज़ें सब मिलेंगी, फुल कमर्शियल पिक्चर है। सुनने माना काफ़ी फीमेल जो बॉय भोजपुरी की सुपरस्टार हैं सब इसमें फिल्म में देखने को मिलेंगी? फीमेल नहीं, हीरो भी हैं इसमें विराज भट्ट भी है और हीरोइन तो हैं ही, बाकी जी हैं, मोना लिसा जी भी गाना कर रही है हमारे साथ और रानी ऑलरेडी पहले से है पिक्चर में, तो सभी हैं, सीमा सिंह भी है और कुणाल जी भी हैं, काफ़ी फुल मसाला है, आप हर 5-10 मिनट बाद कोई ना कोई एंट्री मारेगा फिल्म में तो अच्छा लगेगा। हिंदी में तो आ चुका है डीजे वाले बाबू गाना बजाते, भोजपुरी में भी गाना है और मोना परफॉर्म करेंगे, गाने के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, डीजे वाले बाबू टाइप का गाना है ये, क्योंकि वो बहुत चला है गाना, तो ऐसा नहीं कि उसको नकल मार के किया हम लोगों ने, लेकिन है थोड़ा सा वो डीजे का ऊपर गाना है, लेकिन अच्छा गाना है, सबको अच्छा लगा तो हम लोगों ने डाला है गाना, तो चलो इसको पिक्चराइज कीजिए, और मोना के ऊपर बहुत सूट करेगा गाना, हमने पहले सोचा तो मोना जी को बुलाया उनके गाना करने, लिरिक्स राइटर भी इसमें परफॉर्म करते हैं। परफॉर्म नहीं, वो हीरो इस फिल्म का, श्याम ध्याती इस फिल्म के हीरो हैं, वो लिरिक्स राइटर भी हैं, मेरी काफ़ी पिक्चरों में गाने लिखे उसने, मुन्नी भाई नौटंकी वाली में सब गाने उसी के थे और काफ़ी हिट हिट सॉन्ग दिए हैं उसने, हमारी शुभकामनाएं उसके बाद की पिक्चर ये फिल्म के बाद वो भी हीरो स्टार बन जाए और एक इंडस्ट्री में एक और हीरो आ जाए। कब तक रिलीज हो जाएगी? ये मई या जून में रिलीज हो जाएगी।